फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने नथिंग फोन टू एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन में ना कॉल को यानी इनकमिंग कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं, वो भी मैसेज के साथ। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले मोबाइल फोन का कॉल लॉग ओपन करना है। ये जो कॉल लॉग होता है इसे ओपन कीजिए। इसमें सबसे ऊपर आपको 3 डॉट का ये ऑप्शन टैप करना है। अब इसमें आपको सेटिंग पे टैप करना है। अब इस पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलता है क्विक रिस्पॉन्स का, इसे टैप करना है। अब देखिए इस पेज में जो है आपको 3-4 ऑप्शन पहले से मिल जाते हैं। आप चाहे तो अपनी लैंग्वेज में जो है यहाँ पर जो है कोई भी एक लाइन आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने हिंदी में ऐड कर रखा, बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस पर टच करके आप अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर जो है कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप कुछ भी लिख लीजिए यहाँ पर और उसके बाद आपको ओके का बटन दबा देना, तो आपकी लैंग्वेज में भी एक लाइन ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये सेटिंग काम कैसे करेगी ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है ना, मैं एक मोबाइल नंबर जो है यहाँ पर जो है ना एक नंबर एंटर आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ना मेरे मोबाइल फोन पे एक इनकमिंग कॉल आएगा, तो मैं इसे रिजेक्ट करूंगा, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर जो है ना, ये इनकमिंग कॉल है ना, अगर इस तरीके से पेज आता है तो इस पर आपको नंबर पे टैप करना है। तो इस तरीके से पेज हो जाएगा। इसमें देखिए मैसेज का ऑप्शन है, इसे टैप कर लेना है। अब यहाँ पर जो भी आपने लाइन ऐड करी है उसे आप जो है सिलेक्ट कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, इनकमिंग कॉल देखिए कट जाता है और ये देखिए मैसेज जो है सेंड हो चुका है, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो लाइन आपने लिखी थी ना, तो वो मैसेज जो है वो सामने वाले पर्सन के पास पहुंच जाएगा कि आपने उनकी कॉल को रिजेक्ट क्यों किया है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये एक तरीका है मोबाइल फोन में इनकमिंग कॉल को रिजेक्ट करने का, वो भी मैसेज के साथ, ठीक है।